आज की ध्यान की विधि इतनी सरल है कि कोई भी आसानी से इसे कर सकता है। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा हूं कि आप ध्यान में प्रवेश करें और एक बार किसी भी तरीके से जान लें कि ध्यान क्या है। आज एक बहुत ही सरल ध्यान करेंगे जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि आप सभी के साथ आज ध्यान की घटना जरूर घटेगी। आज आप जान पाएंगे कि मन की निर्विचार अवस्था को देखना कैसा लगता है, मन का खाली आकाश आपको कैसा आनंद प्रदान करता है। किसी भी ध्यान में जब एक बार सफलता मिल जाती है तो आपके लिए सभी ध्यान आसान हो जाते हैं। फिर ये जरूरी भी नहीं है कि आप सभी ध्यान करें, बस जो मन को छू जाए, जिसमें आनंद मिल जाए। कैसा भी ध्यान, कोई भी ध्यान जिसमें सहजता हो, सरलता हो, जो आपको सरल लगे, जिसके लिए कोई कोशिश ही आपको ना करनी पड़े, वही आपके काम आ जाएगा। आज के ध्यान की एक विशेषता यह भी है कि इसे करते करते ही आप नींद में चले जाएंगे। ये नींद उस नींद से बिल्कुल अलग आपको महसूस होगी जो कि आप हर रोज लेते हैं। अलग होने का कारण यह है कि जब आप सोने लगते हैं तो उस समय आपके मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं। विचारों के ही कारण आप गहरी नींद का आनंद नहीं ले पाते हैं। आज मैं आपको इस ध्यान की विधि को समझा रहा हूं। इस ध्यान को आपने रात को सोते समय ही करना है। बहुत ही आसान सी विधि है, इसे ठीक से समझ लें, फिर आज ही रात में इस ध्यान में प्रवेश कर जाएं। वैसे तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं आने वाली, सबका ही प्रवेश हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको मुश्किल लगे तो अपने कमेंट में जरूर बताएं। जो मित्र इसमें सफल हों वो भी अपने अनुभव को जरूर बताएं। आज रात को हल्का खाना खाना है, भूख से कुछ कम ही खाना है। ध्यान रखें कि आपको अपना पेट भारी नहीं महसूस होना चाहिए, भूखे भी नहीं रहें और भारी भी नहीं रहना। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही सोने के लिए जाएं। ढीले ढाले और आरामदायक कपड़े ही पहने, अपने बिस्तर को ठीक कर लें, ज्यादा से ज्यादा आरामदेह बना लें। अपने कमरे में किसी भी प्रकार की सुगंध को इस्तेमाल ना करें। आपको गर्मी ना लगे इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक से जांच लें, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपके लिए असुविधाजनक हो। ज्यादा अच्छा होगा कि कमरे में अंधेरा रखें, लेकिन अगर आपको रोशनी में सोने की आदत है तो रोशनी को कम से कम रखें। रोशनी आपकी आंखों को बिल्कुल भी चुभनी नहीं चाहिए। ये भी निश्चित करें कि आज का आपका जो दिन गुजरा है वो आम दिन जैसा ही हो। अगर आज के दिन में कोई ऐसी घटना हुई है जिसके कारण आप आंदोलित हों, परेशान हों या किसी प्रकार की उत्तेजना में हों, तो आज ये ध्यान आप बिल्कुल मत करें। ये ध्यान आपने उसी दिन करना है जब पूरा दिन आपका सहज रहा हो, शांत रहा हो। बिस्तर पर सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को और हाथों को थोड़ा थोड़ा खोल लें। जैसे योगा करते समय
आपने कभी शव आसन किया हो, ठीक वैसे ही अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। सांस की गति को धीमा रखें, पूरी तरह सहज और सजग रहें। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें। अब अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक अपने पूरे शरीर को महसूस करें। पूरे शरीर को अपने मन से देखें, फील करें। खास तौर पे हर जोड़ पर ध्यान देना है। शरीर के हर जोड़ में जिसमें हो रहे हल्के हल्के थकान से भरे दर्द को महसूस करना है, जैसे टखनों के जोड़, फिर घुटनों के जोड़, फिर कमर का जोड़, कंधों के जोड़, सभी जोड़ों पर विशेष ध्यान देना है और अपने पूरे शरीर को महसूस करना है। लगभग एक मिनट के बाद आप टखनों पर ध्यान दें। अब आप महसूस करें कि आपके पैर नहीं है, पैरों को भूल ही जाना है। टखनों से लेकर सिर तक ही आपका शरीर है, पैरों को छोड़ दें जैसे पैर है ही नहीं। एक से दो मिनट तक इसी अवस्था में रहें, फिर घुटनों पर आ जाएं। ठीक पहले की ही तरह अब घुटनों से नीचे की टांगों और पैरों को बिल्कुल भूल जाएं। महसूस करें कि आपका शरीर घुटनों से लेकर सिर तक है। जब ये पूरी तरह से महसूस होने लगे, जब आपको घुटनों के नीचे पूरी तरह से भूल जाए, फिर आप अपने कमर के जोड़ पर आ जाएं। अब आपको महसूस करना है जैसे आप केवल एक धड़ मात्र ही हैं, जैसे टांगें अब है ही नहीं। नीचे के पूरे हिस्से को आप भूल गए हैं। जैसे ही भूल जाएंगे, जो शुरू में आपकी टांगों में हल्के से दर्द का एहसास आपको हो रहा था, वो अब बिल्कुल ही चला जाएगा। जब टांगें हैं ही नहीं तो दर्द कहां होगा। इसको पूरे मन से करना है। इसे करते समय पूरा सजग होना है। जब केवल कमर से सिर तक ही आपको अपना शरीर का पता चलने लगे, अब हमने अपनी बाजुओं पर ध्यान देना है। सबसे पहले पूरे पूरे बाजू और आपके हाथ, फिर पैरों की ही तरह हाथों को भी भूलकर केवल कलाई से सिर तक, फिर कलाई भी छोड़ देनी है, फिर कोहनी से सिर तक अपने आप को महसूस करना है। जब ये ठीक से हो जाए, उसके बाद आप अपने कंधों पर आ जाएं। आप कंधों से लेके सिर तक का ध्यान करना है। बस कंधे हैं और सिर है, इतना ही हिस्सा है, बाकी शरीर आपका जा चुका। आप बिल्कुल छोटे से बचे हैं। जब बाकी सारा शरीर आपके लिए पूरी तरह से समाप्त हो जाए, अब कंधों को भी छोड़ देना है, केवल सिर ही बचेगा। गर्दन भी नहीं, केवल सिर। अपना सारा ध्यान अपनी आंखों पर केंद्रित कर दें। आंखें और दिमाग दोनों आपको आपस में जुड़े हुए प्रतीत होंगे। अपने ध्यान को बनाए रखें। धीरे धीरे आपका सिर आपको एक गोले में बदलता हुआ अनुभव होगा। जो भी आपको अनुभव हो रहा है होने दें। अपनी सहजता को बनाए रखें। अपने को पूरी तरह से हल्का महसूस करें। धीरे धीरे आपका सिर और हल्का होता चला जाएगा। आपको महसूस होगा जैसे आप पूरी तरह से भारहीन हो चुके हैं, कोई वजन ही नहीं है। सिर ऐसा लगेगा जैसे एक गैस का गोला बनता जा रहा है, जैसे कुछ है ही नहीं, बस हवा का ही एक गोला, गोले जैसा। फिर धीरे धीरे ये हवा में ही ऊपर उठता हुआ प्रतीत होने लगेगा। कुछ मित्रों के साथ
ये अनुभव कुछ भिन्न भी हो सकता है, कुछ अलग तरह का भी महसूस हो सकता है। इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना लें। जो भी हो रहा है बस उसे सजगता के साथ देखते रहें। आप शिथिल होते चले जाएंगे और नींद में उतर जाएंगे। ये वो स्थिति है जब आप पूरी तरह से विचार शून्य हो जाते हैं। थोड़ी सी देर में ही जब आप गहरी नींद में चले जाएंगे, एक ऐसी नींद में जो बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाली है, फिर नींद में ही अपने को छोड़ दें। फिर नींद में आपको करवट आए तो लें, जैसा होता है होने दें। पूरी तरह से विचार शून्य होकर आप ध्यान में प्रवेश करें, ध्यान की गहराइयों को स्पर्श करें, मन के खाली आकाश को समझें, परमात्मा की शांति को अनुभव करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।